हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग देखते हैं कुछ प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम में जो है जो सॉल्यूशन चैप्टर से जो 12 का सेक्शन है सॉल्यूशन चैप्टर, इससे जो है यह लिया गया है। अब देखिए, इस प्रॉब्लम में जो है सो यह दिया गया है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेरियम फॉस्फेट इन 250 मिलीलीटर ऑफ 0.15 एम सॉल्यूशन, जिसमें एटॉमिक वेट बेरियम का दिया हुआ 137, फास्फोरस का 31 और ऑक्सीजन का दिया हुआ है 16। तो यानी इस टाइप के प्रॉब्लम जो दिया गया है, इसमें पूछा जा रहा है क्या अमाउंट ऑफ बेरियम फॉस्फेट। तो अमाउंट ऑफ बेरियम फॉस्फेट का मतलब यहाँ से क्या होगा, वेट यहाँ से पूछ रहा है, कैलकुलेट करना है वेट ऑफ बेरियम फॉस्फेट का। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन में जो है सो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा कि ये जो गिवन डेटा जो है, इस गिवन डेटा को हम लोग को लिख लेना होगा। इसके बाद जो है सो जो पूछा गया है, जिसमें जो क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, जिस पर कि जो कैलकुलेट करना है या फाइंड जो करना है, उसको जो है सो हम लोग को लिखना होगा। तो देखिए, अब यहाँ पर जो है सो कहा गया है कि अमाउंट ऑफ बेरियम फॉस्फेट, बेरियम फॉस्फेट में यहाँ से जो है सो हम लोग लिखेंगे कि यह जो वॉल्यूम जो दिया गया है, वॉल्यूम 250 मिलीलीटर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर जो है 0.15, यानी यहाँ पर जो है मोलरिटी दिया गया है कितना, 0.15 दिया गया है सॉल्यूशन का, 0.15 एम सॉल्यूशन का ये जो मोलरिटी दिया गया है। अब हमसे पूछ रहा है क्या, तो बेरियम फॉस्फेट का अमाउंट, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ बेरियम फॉस्फेट। और इस अमाउंट ऑफ बेरियम फॉस्फेट का मतलब यहाँ से हमारा क्या पूछ रहा है, यहाँ से लिख सकते हैं वेट ऑफ बेरियम फॉस्फेट। ये जो है सो मेन हम लोग से क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यह जो फाइंड हमको क्या करना है, तो इसका जो है सो वेट ऑफ बेरियम फॉस्फेट का जो है, यह जो है सो अमाउंट पूछ रहा है इसका, यानी कि वेट पूछ रहा है, तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में देखिए कि ये बेरियम फॉस्फेट है, तो ये बेरियम फॉस्फेट को पहले जो है सो हम लोग रिएक्शन में देखते हैं, इसको ब्रेक करते हैं तो क्या हमको बनता है। तो यहाँ से जो इसका जो सोल्यूशन जो बना है, तो इस सोल्यूशन में जो है सो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ से लिखेंगे। अब यह बेरियम फॉस्फेट है, इस बेरियम फॉस्फेट का जो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, तो Be3, और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं PO4 को होल्ड हो। तो इस स्थिति में यह जो सबसे फर्स्ट क्या होगा, यह आयोनाइज होगा, आयन के फॉर्म में यह ब्रेक करेगा, यानी देखेंगे 3Ba2+ और प्लस क्या बनेगा, 2PO4⁻³-। यह जो है सो ये बेरियम 2+ और फॉस्फेट जो है सो के फॉर्म में ये टूटेगा, यानी Ba2+ 2PO4⁻³-, यानी PO4⁻³ इस फॉर्म में यह जो है सो ब्रेक करेगा। अब देखिए, यह जो कंपाउंड जो है यह ब्रेक किया, तो यहाँ से हमको सबसे पहले क्या निकालना होगा, वैलेंसी फैक्टर को कैलकुलेट करना होगा। तो फर्स्ट यहाँ से यह बेरियम को जब देखेंगे, तो यहाँ बेरियम आयन को, तो यहाँ से जो है सो फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पर क्या लिखेंगे, यह जो बेरियम का कितना मोल है, यहाँ पर जो है सो ये 3 मोल है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Ba2+ के लिए क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है सो +2 होगा। अब यहाँ पर जो है सो एन फैक्टर जो हम लोग देखेंगे कि एन फैक्टर को कैलकुलेट करना होगा, तो यहाँ से 3×2, यानी कि इसका एन फैक्टर जो है सो कितना होगा, 6। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे हम लोग, यह जो बेरियम फॉस्फेट जो है, इस बेरियम फॉस्फेट में जो एन फैक्टर जो है हमारा कितना आ रहा है, 3, 6 आ रहा है। अब ऐसे सिचुएशन में अब जो है हम लोग करेंगे क्या, तो यहाँ से जो है सो हम लोग लिखेंगे, इसमें जो है हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि लिख सकते हैं नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ Ba3PO4⁻², क्या होगा यहाँ से, तो इसके लिए लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ
मालूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें, इन मिलीलीटर इनटू मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। अब यहां से लिखेंगे वॉल्यूम कितना है 250 मिलीलीटर और इनटू कितना होगा मोलरिटी 0.15 और वैलेंसी फैक्टर 6 यानी इस सभी को जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा 225 आएगा। यानी यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ Ba3 PO4 का होल 225 मिला। अब देखिए यहां से जो है सो हमको ये जो है सो मिली इक्विवेलेंट मिल गया। अब मिली इक्विवेलेंट जब मिल गया तो अब हमको इसमें करना क्या होगा, तो इसके लिए फिर जो है सो हम लोग जब देखेंगे कि इसके लिए जो है फिर यहां से लिखेंगे व्हाट यहां से ये जब निकल गया है तो यहां से लिखेंगे बट नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट का एक फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट। अब यह जो ग्राम इक्विवेलेंट जो हम लोग निकालेंगे तो वो किसका निकालेंगे सॉल्यूट का, तो यहां से लिखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000। लेकिन अब इस स्थिति में यह जो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट तो हमको यहां से प्राप्त हो चुका है, इसका वैल्यू जो है सो 225 है और वेट ऑफ सॉल्यूट, यही तो वेट ऑफ सॉल्यूट हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो यह जो है सो डेटा हम लोग को मालूम है, यह भी मालूम है, लेकिन यहां पर जो है सो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इसको निकालने के लिए जो है हम लोग इक्विवेलेंट वेट से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। यदि यह मिल जाता है, यह हमको मालूम है, तो यहां से वेट ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट हो जाएगा। तब अब ऐसे सिचुएशन में जो है यहां से हम लोग निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। अब यहां से मॉलिक्यूलर वेट किसका होगा, तो यह जो है Ba3PO4 का होल 2 का, तो यहां से देखिए कितना होगा, इसका एटॉमिक वेट दिया हुआ है, एटॉमिक वेट जो है सो लिखा हुआ है 137, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस यह जो फास्फेट जो है या फास्फोरस जो है फास्फोरस का भी दिया हुआ है, तो यहां पर जो वैल्यू जो दिया हुआ है Ba3PO4 का होल 2, इसका मतलब कि यहाँ पर फास्फोरस जो होगा 2 × 31 लिखेंगे प्लस। अब फिर यहां से क्या करेंगे कि अब जो है ऑक्सीजन जो होगा, ऑक्सीजन यहां से 2 × 4 + 16, यह जब वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो यह वैल्यू 601 आएगा और इसके साथ ही इसका जो वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 6 जो कैलकुलेट किया गया है, तो यहां से इसका वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो 601 आएगा और यहां से लिखेंगे 6, इसका मतलब क्या होगा 100.1 का वैल्यू आएगा यहां पर। अब यहां पर जो है सो हमको इक्विवेलेंट वेट मिल गया कितना, यानी लिख सकते हैं इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू 100.1। अब देखिए इस डेटा में जो है जो हमको नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट जो मिल गया है, इस नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट से हमको हर चीज पता चल गया कि यहां से इसके जगह पर जो हमको कैलकुलेट क्या करना था, तो वेट ऑफ सॉल्यूट इसका वैल्यू हमको मिल गया है, इसका वैल्यू मिल गया है, तो यहां से वेट ऑफ सॉल्यूट तो लिख सकते हैं यहां से कि वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू यहां से नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट इनटू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, तो यहां से नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट 225 इंटू यहां पर जो है लिखेंगे 100.1 अपॉन 1000। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां से वैल्यू आएगा 22.1
22.52, यह इसका जो है आंसर होगा। यानी कहने का मतलब, लेकिन अब यहाँ अमाउंट पूछ रहा है, तो अब जब अमाउंट पूछ रहा है तो अमाउंट के लिए इसका यूनिट का प्रयोग करेंगे। अमाउंट को या वेट ऑफ सॉल्ट जब कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से ग्राम में आता है, इसका मतलब है कि इसका आंसर जो होगा 22.52 ग्राम इसका आंसर होगा। यानी कहने का मतलब यहाँ से कि जब ऐसे क्वेश्चन है कि जहाँ पर पूछ रहा है अमाउंट ऑफ बेरियम फॉस्फेट, तो इसका मतलब है कि वह अमाउंट की जगह पर उसका हम वेट यदि कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसका हमको आंसर पता चल जाएगा। यानी लेकिन इसके लिए जो है इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जब देखेंगे तो पहले इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट वेट यदि मालूम हो जाता है तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट तो पहले से पता है ही, यहाँ से वेट निकाल लेंगे और वेट जो निकाल लेंगे जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू जो है सो इसका यानी अमाउंट ऑफ बेरियम फॉस्फेट का होगा या वेट ऑफ बेरियम फॉस्फेट का होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पर जो है सो हम लोग स्ट्राइक लेते हैं। तो अभी जो इसमें नेक्स्ट प्रॉब्लम पर हम लोग चलते हैं कि यह नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या कहता है, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ एन ए ओएच सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट, यानी 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट दिया हुआ है ऑफ हीट इन हाफ लीटर ऑफ इट्स सॉल्यूशन। मतलब यह वॉल्यूम भी जो है सो दिया गया है हाफ लीटर, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है सो हमको पूछ रहा है क्या, तो नॉर्मलिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन यानी जो सॉल्यूशन जो है उस सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी पूछ रहा है। तो अब यह जो नॉर्मलिटी जब पूछ रहा है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो पहले गिवन डेटा है इसको मैं लिख दूं। तो गिवन डेटा में नंबर ऑफ, यहां से हमको क्या मिल रहा है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट दिया हुआ 0.,  लेकिन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसका है, तो यहाँ पर NaOH का दिया हुआ है 0.1 दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हाफ लीटर, और हाफ लीटर को हम लोग लिख सकते हैं 0.5 लीटर लिख सकते हैं। अब पूछ रहा है क्या, तो यहां से लिखेंगे नॉर्मलिटी ऑफ NaOH, NaOH का नॉर्मलिटी पूछ रहा है, NaOH सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी कितना होगा। तो अब इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, तो यहां से लिख सकते हैं नॉर्मलिटी ऑफ NaOH इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहां से लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पता है 0.1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 0.5, तो ये डेसिमल से डेसिमल समाप्त हुआ यानी 1/5 होगा। अब 1/5 को लिख सकते हैं 0.2, यह जो है इसका सॉल्यूशन का आंसर बना। यानी यहाँ से जो है सो क्वेश्चन में दिया हुआ क्या था, यहाँ पर 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट दिया हुआ, मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है इसका, तो नॉर्मलिटी हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो नॉर्मलिटी को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल जो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसको जब इक्वेट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू जो है सो नॉर्मलिटी का मिल जाएगा 0.2। तो इस तरह से जो है सो हम लोग प्रॉब्लम पर स्ट्राइक लेंगे और ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आते जाएंगे। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।